सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वही जिंदगी में बड़ी सफलता को पाता है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। इतने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 जनवरी 2022 दिन बुधवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, सुबह 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 10:06 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:39 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 26 जनवरी 2022 दिन बुधवार, आपको आज बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए औरों के सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहु प्रतीक्षित छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से आर्थिक लिहाज से समय श्रेष्ठ है। किसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बार बार अपने विचारों का और निर्णय का अवलोकन करने की वजह से आपको केवल खामियां ही नजर आ रही है। खुद की सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, खुद के विचार और व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। पार्टनर की अनुमति के बिना उनके व्यक्तिगत जीवन का निर्णय लेना गलत होगा। सेहत से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां, किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, इससे आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ेगा। आज कहीं भी पैसा ना लगाए क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में घर की व्यवस्था को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति रहेगी। बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाएं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर को खुशी और हंसी की रौनक बिखरी रहेगी। आपने अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर देखा है, इसीलिए अब आपको अपनी पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए। एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएगी। बात करते हैं करियर की। आज सितारे उन लोगों के पक्ष में हैं जो कि अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में हैं। एक संपत्ति खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अपने परिणाम के लिए अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा। किसी भी गैर कानूनी काम को करने से बचें, अन्यथा बुरी तरह फंस सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस की कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा। बात करते हैं सेहत की। नकारात्मक विचार उठने से तनाव और डिप्रेशन हावी हो सकती है। मेडिटेशन करें तथा कुछ समय
प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल भी हो सकती है, या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधित एक से अधिक तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।